दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप सभी को पता लग गया होगा कि हम दो टॉपिक से रिगार्डिंग इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। पहला जो है बिहार रोजगार मेला से रिगार्डिंग है और दूसरा है बिहार तकनीकी विभाग भर्ती से रिगार्डिंग। लेटेस्ट अपडेट आपको दो तीन नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ में आपको बतला दूं यहाँ पर कि बिहार के सभी जिलों के लिए जो रोजगार मेला का आयोजन होना है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि किस जिले में किस दिन जॉब कैंप लगेगा, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगा। तो आपको भी जानना है कि आपके जिले में कब से यहाँ पे रोजगार मेला लगने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो अपडेट है रोजगार जॉब मेला से रिगार्डिंग है। यहाँ पे एक ऑफिशियल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे न्यूज़पेपर का अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये श्रम संसाधन विभाग द्वारा ही जारी किया गया है कि जिलों में रोजगार मेलों की नई तिथि तय हुई। और यहाँ पे पहले जो तिथि था हमें तो नहीं पता है कि किस दिन यहाँ पे रोजगार मेला लगने वाला था, लेकिन अब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और नया शेड्यूल से ही मतलब है क्योंकि नए शेड्यूल के अनुसार ही यहाँ पे जॉब मेला का आयोजन किया जाएगा। और ये श्रम संसाधन विभाग के अंडर में जो जॉब मेला होता है उसका आयोजन किया जाता है और इन्हीं के परमिशन से बड़े बड़े कंपनियाँ आती है और बिहार के सभी जिलों से रिगार्डिंग जो है जॉब मेला लगता है और बिहार के सभी जिलों के कैंडिडेट को जॉब लेने में वो सहायता प्रदान करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं इसे, यहाँ पे देखिए बताया गया है श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगाए जाने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेलों की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले से तय तिथि में बदलाव करते हुए विभाग ने जिला स्तर पर लगने वाले 2 दिवसीय रोजगार मेला की नई तारीख तय कर दी है। 2 दिवसीय रोजगार मेला का मतलब यह है कि एक जिला में 2 दिन जो है रोजगार मेला लगता है, जो नया रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से। आगे बताया गया श्रम संसाधन विभाग के निर्देशक जो कि नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। तो इस बारे में जो आदेश है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे आगे बताया गया 36 जिलों के रोजगार मेलों की संशोधित तिथि जारी की गई है, यानी जो नया तिथि है सभी जिलों से रिगार्डिंग किस जिले में किस दिन जॉब मेला का आयोजन होगा उसके रिगार्डिंग नया सूची जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पे जिलावार जॉब मेले के आयोजन का तिथि यहाँ पे बताया गया है। शुरू करते हैं बक्सर जिला से। बक्सर जिला में जो है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यहाँ पे जॉब मेला लगेगा। आपको बता दूं कि 2 दिन यानी 2 दिवसीय जॉब मेला का आयोजन होता है सभी जिलों में। ओके, तो एक जिला में 2 दिन जॉब का आयोजन होगा। शेखपुरा की बात करें तो 5 से 6 सितंबर तक होगा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 7 से 8 सितंबर तक। आप सभी डेट्स ध्यान से सुनते रहिए और आपको बता दूं केवल अपने जो जिला है उसके लिए जो है आप डेट्स याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, नालंदा में 7 से 8 सितंबर तक, छपरा में 14 से 15 सितंबर तक, अरवल डिस्ट्रिक्ट में 19 से 20 सितंबर तक जॉब मेला लगेगा, रोहतास में 26 से 27 सितंबर तक, जहानाबाद में 28 से 29 सितंबर तक, वैशाली में 18 से 19 अक्टूबर तक। ओके, और सिवान में 21 से 22 अक्टूबर तक जॉब मेला लगेगा और बेगूसराय में 23 से 24 नवंबर, औरंगाबाद में 28 से 29 नवंबर, नवादा में 18 से 19 दिसंबर, पटना जिला के बाढ़ में 21 से 22 दिसंबर, भोजपुर में 4 से 5 जनवरी, गया में 14 से 15 फरवरी, गोपालगंज में 22 से 23 फरवरी और अररिया में 28 से 29 फरवरी। तो ये जो फरवरी और जनवरी है 2020 में चला गया, तो आप देख सकते हैं अगले 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने जो है यहाँ पे शेड्यूल सभी रखा गया है। तो आप ज़रूर से भाग लीजिएगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो ज़रूर से इस जॉब मेले में आप भाग लीजिएगा, हम यहीं कहेंगे। और आपको बता दूँ कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, मिलेगा लगभग साल भर में एक बार आपको जॉब मेला का आयोजन कर ही दिया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जॉब मेला से रिगार्डिंग अपडेट था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीटीएससी से रिगार्डिंग जो अपडेट हम आपको देने वाले थे, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिर से कर सकेंगे ऑनलाइन और ट्विटर एंड स्टाफ नर्स संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी यानी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है परीक्षा पोर्टल जो कि बीटीएससी का ही ये वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग लिखा गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन सभी लिंक हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्यूटर और स्टाफ नर्स ग्रेड 1 का जो यहाँ पे अपडेट है उसके बारे में। यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका विज्ञापन संख्या 02/2019 था। ट्यूटर और स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के रिगार्डिंग इसका मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे खोजिएगा तो जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप अप्लाई नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा। इसका जो डेट था 26 अगस्त ही था लास्ट डेट, लेकिन अब यहाँ पे 26 सितंबर कर दिया गया है। तो 26 अगस्त से यहाँ पे अब 26
सितंबर कर दिया गया है, तो 26 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में लगभग 27-28 दिन टाइम है, अगर आप अप्लाई नहीं किए तो कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग सभी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ढूंढिएगा मिल जाएगा, या फिर लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर से वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप अप्लाई नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। देखिए, दूसरा जो नोटिस यहाँ पे निकल कर आ रही है स्टाफ नर्स ग्रेड ए और ट्यूटर से रिगार्डिंग ही है, और यहाँ पे आप लोग को बतला दूँ, बताया गया है कि विज्ञापन संख्या बताया जैसे कि 02/2019 है, के तहत ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सॉफ्टवेयर में सुधार किए जाने के कारण 27 अगस्त से दिनांक 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, अतः उक्त अवधि में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जो है 26 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन, ये जो डेट्स बताया गया है 27 से लेकर 2 सितंबर तक, लगभग आपको यहाँ पे 6-7 दिन, 1 सप्ताह तक यहाँ पे जो है उसके सॉफ्टवेयर को सुधारा जा रहा है, जिस सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गया है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जिसके चलते 1 सप्ताह सुधरने में लगेगा। 2 सितंबर के बाद में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं ट्यूटर और स्टाफ नर्स ग्रेड ए के पोस्ट के लिए। विस्तृत जानकारी के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। ये हो गया स्टाफ नर्स ग्रेड ए और ट्यूटर से रिगार्डिंग अपडेट। अब बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट जो कि हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, विज्ञापन संख्या 01/2019 से रिगार्डिंग, और ये BTSC का ही अपडेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है आज के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का ये पेपर कटिंग मेरे पास है, आप देख सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया था जिसका विज्ञापन संख्या 01/2019 था, उसी के रिगार्डिंग अपडेट है। बताया गया है कि कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15 अप्रैल 2019 तक रखी गई थी। इस क्रम में आयोग को प्राप्त आवेदनों आपत्तियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में निम्नांकित मामलों में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2019 तक बढ़ाई जाती है। देखिए, यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी था मार्च में ही निकाला गया था, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी था, इस पे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किए थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनके आयु सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक लिंक को रीओपन किया गया है, रीएक्टिव किया गया है, तो आप 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं ये आगे बताया गया है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला तो बताया गया है कि बिहार राज्य के नियमित सरकारी सेवक जो वर्तमान में कार्यरत हैं को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में कोटिवार 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगा। इसके तहत सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को उक्त के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट का लाभ दिया दे होगा। तो यहाँ पे जो कार्यरत अधिकारी हैं, यहाँ पे जो उच्चतर वेतनमान की सेवा लेते हैं, उनको जो है 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा आयु में, अगर वो इलिजिबल होते हैं 5 साल छूट देने के बाद तो अप्लाई वो कर सकते हैं, और साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष का छूट यहाँ पे मिलेगा। ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात हो रहा है, यानी अधिकतम आयु में छूट की बात किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका अधिकतम उम्र 1 अगस्त 2011 को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति के योग्य था, उन्हें कोटिवार अधिकतम 7 वर्ष की छूट दे होगा। तो यहाँ पे वैसे कैंडिडेट्स के बारे में बात किया जा रहा है जिनका जो है 1 अगस्त 2011 को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त होने योग्य थे, तो वो यहाँ पे जो है उनको छूट दिया जाएगा 7 साल का, लेकिन अगर वो विकलांग होते हैं तो उनको ये चुनना होगा कि वो विकलांग के लिए छूट लेंगे या फिर 1 अगस्त 2011 वाला छूट लेंगे यहाँ पे, तो उनको ये डिसाइड करना होगा कि अगर वो विकलांग है तो विकलांग वाला छूट लेंगे या फिर ये वाला छूट लेंगे, ठीक है। तो ये है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स ये है कि उक्त अतिरिक्त वैसे अभ्यर्थी जो अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, वे भी विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, जो कि 23 सितंबर 2019 से लास्ट डेट, ठीक है। तो अगर आप भूलवश या अगर आपको पता नहीं होगा, जिसके चलते अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएं 23 सितंबर 2019 तक, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसका विस्तृत जानकारी और डिटेल वीडियो में जो है बना चुका हूँ मार्च में जब वैकेंसी को निकाला गया था, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा, और ये 3 टॉपिक से रिगार्डिंग जो मैंने अपडेट दिया है वो सभी कैंडिडेट ध्यान से आप देख लीजिएगा वीडियो को, और अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और उसका वीडियो जो है डिटेल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहीं आपको 3 अपडेट आपको प्रोवाइड कराना था।
और अभी तक जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि दो नए वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, तो उन दोनों वैकेंसी से रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्द अपडेट कर दूँ। हो सकता है शाम तक दोनों वैकेंसी का वीडियो अपलोड कर दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे, तो ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा जो भी वैकेंसी से रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।